सुना है सिंडिकेट बैंक एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज पर आसान किस्तों में बिना किसी झंझट के लोन उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज और अभी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सिंडिकेट बैंक शाखा में संपर्क करें या ऑनलाइन अप्लाई करें। शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कोरोना के आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 1% से 1.25% पर सीमित रखी है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि फेडरल रिजर्व ने कटौती की है, लेकिन और कटौती की जरूरत है। दिल्ली मामले को लेकर आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं, जहां विपक्ष तत्काल चर्चा कराने की मांग कर रहा है, मगर इस पर सरकार होली के बाद चर्चा कराने के लिए तैयार है। बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने दिल्ली मामले को लेकर नियम 267 के तहत राज्यसभा में स्थगन का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि IPO के जरिए LIC में हिस्सेदारी घटाने के बावजूद पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार इसके प्रबंधन नियंत्रण को अपने पास बरकरार रखेगी। बता दें कि सीतारमण ने बजट के दौरान LIC में हिस्सेदारी घटाने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। अब देश के सभी बैंक इसका लेन देन शुरू कर सकते हैं। बता दें कि RBI ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थ मंगलवार रात को एक बार फिर शाहीन बाग पहुंचे। इस दौरान मध्यस्थ संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले को सुलझाने के लिए संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को मध्यस्थ नियुक्त किया था। बिहार विधानसभा में आज RJD के विधायक ने BJP के मंत्री प्रेम कुमार को 2020 का भावी मुख्यमंत्री बता दिया। बता दें कि RJD विधायक सीताराम यादव ने कहा कि प्रेम कुमार अति पिछड़े समाज से आते हैं और उनमें बाकियों से कम काबिलियत नहीं है। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने राज्य में 119 शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित कर दिया और कहा कि वहां रहने वाले लोग भारतीय हैं तथा उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नए सिरे से नागरिकता हासिल करने की जरूरत नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट ने पेंशन के करीब 40 साल से भटक रही विधवा के मामले में सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने कहा कि पेंशन देना राज्य सरकार का काम है, सरकारी अधिकारियों के कारण ही इतने दिनों से पेंशन लंबित रही। असम सरकार शिक्षकों के लिए एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके मुताबिक भर्ती के बाद शुरुआत के 10 सालों तक कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान असम के शिक्षा मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा इस बिल के बारे में जानकारी दी। देश में अब तक कोरोना के 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें 3 केरल के थे, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 3 मरीज दिल्ली, जयपुर और तेलंगाना में मिले हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बेटे ने अपने पिता के कीमती सामानों की 6 मार्च को होने वाली ऑनलाइन नीलामी रुकवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि रोहिन मोदी ने अपनी याचिका में दावा किया कि ED ने जिन कीमती पेंटिंग्स को जब्त किया है वो उनके पिता की नहीं बल्कि रोहिन ट्रस्ट की है। आयकर विभाग ने बताया कि चेन्नई स्थित एक कंपनी के परिसर में हुई छापेमारी के दौरान 400 करोड़ की अघोषित आय और छिपे हुए क्लाउड सर्वरों का खुलासा हुआ है। आपको बताने की कंपनी शीशा तांबा का कारोबार करती है। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने कहा NPR को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे। उन्होंने कहा NPR में प्रस्तावित कुछ प्रश्न राज्य के अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। हमने केंद्र से अनुरोध किया है वह NPR के 2010 वाले फॉर्मेट को वापस लाएं। मध्य प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता तरुण भनोट ने आरोप लगाया है कि BJP ने 4 कांग्रेस विधायकों और राज्य सरकार को समर्थन दे रहे 4 अन्य विधायकों को जबरन हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में रखा है। भनोट ने कहा कि ऐसा कमलनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गिराने के मकसद से किया गया है।
महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी सरकार मुसलमानों को 5% आरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा, उनके मंत्री ने विधानसभा में आरक्षण पर बयान दिया, अगर सीएम इसका समर्थन नहीं करते तो उन्हें सदन में जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुलाकात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केजरीवाल के हाव भाव शब्दों से ऐसा लगता है वह दिल्ली मामले पर केंद्र को क्लीन चिट देने के लिए गए थे। उन्होंने कहा, क्या सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की? क्या उन्होंने कपिल मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम की किश्तों के बकाए का 1,950 करोड़ और रिलायंस जियो ने 1,053 करोड़ चुकाए हैं। बता दें कि दूरसंचार कंपनियों को अब 2 साल तक स्पेक्ट्रम के पिछले बकाए का भुगतान नहीं करना होगा। कोरोना अब दिल्ली भी पहुंच चुका है, जहां पर एक शख्स में COVID-19 की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए 70 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली NCR के 5 स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी की दिवाला हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीदने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। बैंकों को उम्मीद है कि इससे उनके 23,000 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे। हॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी टर्नर ने अपनी देवरानी प्रियंका चोपड़ा को लेकर कहा है, प्रियंका भारत में सबसे बड़ा नाम है। जब हम उनकी और निक जोन्स की शादी के लिए भारत गए थे तो हमारे साथ रॉयल्टी जैसा बर्ताव हुआ था। उन्होंने कहा, खुद को याद दिलाती रहती हूं कि उनका बॉलीवुड में 20 साल का करियर है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।